उस लॉ को मानता ही नहीं है जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको, उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है, 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं सच है वो सर? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हैरासमेंट हो रहा था? बहुत हैरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी, वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था, अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। रिपोर्ट लेनी है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर हम लोग का घर है। कौन सा नाम क्या है? पूसा रोड, खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन। खुदीराम बोस पूसा, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस पूसा। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया हम लोग को, वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब देख के, अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया एकदम, बर्दाश्त से बाजू कर दी, मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था। रे बाप रे बाप, मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या? हूँ बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया। बिल्कुल कभी नहीं रहा, कभी नहीं, एकदम नॉर्मल की बातचीत हुई है। एक्चुअली विकास का नंबर मेरे पास नहीं मिल रहा है। विकास 544 है ना? कभी नहीं, हम लोगों की तो क्या भैया की ही बात नहीं करवाती थी, वो उसके लिए भी पैसे की डिमांड होती थी शायद, ऐसा उस वीडियो में भी उसने बताया है। और उसमें सारे नहीं 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 मैंने अपने वर्ल्ड अपने फैमिली ग्रुप में वो फोटो डाला था, उसमें वो बोल रहा था, और मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ भाई मैं बोलूँ, लेकिन हाँ बात करता हूँ। हाँ छोटा हूँ, अतुल के घर से सामान लाना था कुछ ना, मैं दिल्ली में काम करता हूँ है ना, तो उसकी चाबी और मीडिया भी जाएगी और हम लोग से कोई जा सकता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेनी है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर हम लोग का घर है। कौन सा नाम क्या है? पूसा रोड, खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन। खुदीराम बोस पूसा, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस पूसा। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया हम लोग को, वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब देख के, अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया एकदम, बर्दाश्त से बाजू कर दी, मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था। रे बाप रे बाप, मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना
इतना टॉर्चर हुआ, मेरा बच्चा की टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या हूँ? बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर चला तो छोड़े तो ना। मैं इनका कजन ब्रदर हूँ। कैसे कैसे हुआ था? फैमिली वाले कुछ बताए थे सर आपको? आप आए कैसे सर यहाँ पे? इंसिडेंट हुआ कैसे, पता चला? वो हम लोग घर पे बगल में ही रहते हैं दोनों, हम लोग रिलेटिव हैं। चाचा जी मेरे को 3 बजे रात को फोन करके बुलाए कि बेटा एक बार आओ, कुछ काम है। 3 बजे रात को क्या चाचा जी काम पड़ गया? तो मैंने बोला कुछ जरूरी काम है, जो सुबह का कुछ मेल आया है, जो जरूरी बात है बेटा आ जाओ। मैं और मेरी भाई दोनों आदमी चाचा जी के घर पे गए। तो चाचा जी चाची जी थे, इस तरीके से कोई गलत मेल उसने भेजा है सुसाइड का। तो हम लोग काफ़ी घबराए, काफ़ी फ़ोन लगाए, उसका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। कोशिश किया हम लोगों ने दरबान से बात करने की, दरबान भी किया, वो बोला खुल नहीं रहा है, घंटी हो रही है इनसाइड रूम के, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्रशासन भी आया था 4:30 बजे करीब। आपको पता था कि उसके साथ कुछ हरासमेंट हो रहा है? कन्फर्म नहीं था। ये जो इनका चल रहा है बच्चे का, जो तलाक वाला काम जो चल रहा है ना, इसमें तो काफ़ी ये परेशान था इंटरनेट, बहुत ज़्यादा इंटरनेट परेशान था। लेकिन इसमें एक विशेषता थी कि ये अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ ऐसा तनाव वाली बात शेयर नहीं करता था कि मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। अपने कॉन्फिडेंस से इसने इसमें था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे को पता सिस्टम, मैं लड़के कर लूँगा, सही कर दूँगा। कहीं आपको कोई भनक हुई थी कि इस तरह का भी डिसीशन ले सकते? ऐसा कुछ भी आभास हम लोगों किलोमीटर दूर तक नहीं हुआ कि ऐसा स्टेप ये ले सकता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा, इतना मजबूत बच्चा हमारा, ऐसा कर सकता है। कोई चांस कभी भी ऐसा, मतलब बरसों में कोई आभास नहीं हुआ। 33 साल का बच्चा है हमारा और हमेशा ये कॉन्फिडेंट रहा अपने पढ़ाई से लेके जॉब तक। मैं आज भी जिस कंपनी में है अपनी टॉप लेवल पे है, उसके बाद ये कैसे इतनी कमज़ोर हरकत किया ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना टूटना का कारण आज तक समझ में नहीं आया। उनके फैमिली की तरफ से हरासमेंट थी आपको पता था? हाँ, ये हरासमेंट इसको है कि बार बार जौनपुर जाना आना इससे काफ़ी हरास था, और सिस्टम से हरास ही ज़्यादा था कि जो मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए कानून से सिस्टम से वो नहीं मिल पा रहा है करप्शन के कारण। और ज़्यादा ये बच्चा इनोसेंट होने के कारण इसको और दुखी था इस बात से कि सिस्टम हमारा खराब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र मोदी। आप रिलेटिव हैं? मैं रिलेटिव।